गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग तरुण। मेरा नाम तरुण, ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाला वीक जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है। फ्रॉम 11th मार्च ऑनवर्ड्स क्या हो सकती है मार्केट की दशा एंड दिशा, मार्केट किस तरीके से सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस बन सकती है। चलिए लाइव चार्ट पे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं मार्केट में क्या सिचुएशन बन रही है। ये आपके साथ डेली का चार्ट है गाइस, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीकली कैंडल क्लोज हुई है। सबसे पहले वीकली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने जो कैंडल का कंस्ट्रक्शन किया है, दिस इज अ गुड ग्रीन कैंडल। और क्योंकि एक दो तीन चार पांच छह सात आठ पिछले 8 वीक से हायर क्लोजिंग दिया, अच्छा पॉजिटिव क्लोज फॉर बैंक निफ्टी। दो कैंडल डेली की नेगेटिव क्लोज थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दिया है अपना, विच इज़ अ नाइस थिंग एंड आई थिंक ये हाई जो है वो टूटना चाहिए। बाकी डेली चार्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर गैन रूल एक्टिवेट नहीं होता है। फ्राइडे की कैंडल ने ना तो हाईएस्ट हाई मारा है ना हाईएस्ट क्लोज किया, तो गैन रूल तो एक्टिवेट यहाँ पर नहीं होता दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी के अंदर एक नेगेटिव कैंडल जरूर आती हुई दिखाई दी है, वो क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ पर हाई फाइव का टारगेट था। अगर जितने भी लोग हैं डेली के चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट ने ये जो स्विंग दिया था, यहाँ से आपका एंट्री बनना था और यहाँ से 1:5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके आपका 5 का टारगेट था और एग्जैक्टली यहाँ पर टारगेट आता था। अभी भी हाई फाई का जो टारगेट बोलता है वो बोलता है 48,200 का टारगेट जो है मार्केट को देना चाहिए। एक तरीके से फिबोनाची के हिसाब से मार्केट ने 48,172 के आसपास का हाई मारा है। इस कैंडल का हाई क्या मैं देख लेता हूँ, ये हाई लगा है लेकिन इस कैंडल का हाई है 48,000, यहाँ पर देखेगा आपको हाई 48,161, ठीक है। सो 48,161 का हाई लगा है लेकिन टारगेट के हिसाब से 48,200 के आसपास का टारगेट आना चाहिए और इसमें पिन पॉइंट टारगेट आते हैं इससे जो नंबर रहे वो आते ही है, तो 200 का टारगेट जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। ये फिबोनाची का हाई फाई तक का टारगेट है, तो 210 का टारगेट आपको बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। तो आई एम स्टिल बुलिश ऑन दैट फ्रंट, ठीक है ये एनालिसिस। बट यहाँ पर एक पैटर्न का कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। यहां से अगर मैं ये लाइन लेके जाऊं, इसको मैच करते हैं, ठीक है ये लाइन अगर मैंने खींची है तो कैसे यहाँ पे कौन सा पैटर्न का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो शायद आपको किसी और ने ना दिखाया हो अब तक यूट्यूब के ऊपर, बट मैं आपको दिखा दूंगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिस कर चुके हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न को, लेकिन ये पैटर्न बिल्कुल क्लियर बन रहा है। इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपने पढ़ लिया है तो। यस, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यहां पर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दिया है। जनरली गाइस क्या होता है 80-90% ऑफ द टाइम इस पर्टिकुलर पैटर्न का रीटेस्ट होता है, तो मार्केट जैसे ये ऊपर गई है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे आके एक बार ब्रेकआउट लाइन को रीटेस्ट करती है उसके बाद में ऊपर की तरफ जाती है, जो उसके लिए हेल्दी भी रहता है। सो अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लाइन को रीटेस्ट करती है तो यहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही बनेगी, सेल के बारे में नहीं सोचना है। और स्पेशली ये जो लाइन है जो कि 48,695, मार्केट इसको तोड़ने के बाद जो है एक लगातार ग्रीन कैंडल देने की कोशिश करेगा आपको पूरे टारगेट की तरफ। इसका टारगेट क्या निकल के आता है, हालांकि इसका टारगेट इतना खास बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसका एग्जैक्ट नंबर आपको दिखा सकूं। ये रहा इसका टारगेट, यहां से ये वाली लाइन आएगी नीचे तक, इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेट टारगेट विच इज देयर फॉर दिस पर्टिकुलर पैटर्न जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है 49,375, इसके आसपास आपका जा रहा है। तो गाइज आप ये मान के चल सकते हो कि मार्केट 49,375 के अल्टीमेट टारगेट के लिए डेफिनेटली जा रहा है। वो क्यों जा रहा है, ये बात किस बात की पुष्टि भी कौन करता है, क्योंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई को टच करना चाहिए। इसका क्या मतलब है, बहुत जल्दी आपको तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है और आपको मार्केट जहां पर स्टैंड कर रही है वहां से 47,800 से लेकर लगभग 1,500 पॉइंट की तेजी यहां से और देखने को मिल सकती है। इसको आप कैसे प्ले आउट कर सकते हो, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है गाइस मार्च को छोड़ के चाहे अप्रैल एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी को लेके बैठ सकते हैं, फ्यूचर लेके बैठ सकते हैं, वो सबसे ज्यादा अच्छा है क्योंकि ऑप्शन में तो डिके हो जाता है, फ्यूचर के अंदर डिके नहीं होता था। फ्यूचर को लेकर रोल ओवर कर सकते हो, बैंक निफ्टी 20 बाय कर सकते हो क्योंकि ये अल्टीमेट टारगेट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है एज पर चार्ट पैटर्न। ओके, फिबोनाची के हिसाब से क्या टारगेट आता है वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगा 48,200 का लेवल तो फॉर श्योर। और मुझे लगता है कि छोटा सा गिरावट आना चाहिए, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को एक बार रीटेस्ट करना चाहिए और फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब 11th मार्च
जो कि मंडे का दिन रहने वाला है, कौन सी जो कैंडल बनेगी गाइस वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि अमावस्या वाले दिन का बहुत असर पड़ता है। आज से शायद 1 से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो डाला था, आप जाके देख सकते हो। इट्स नॉट अ न्यू थिंग, कोई पुराना चीज है जो मैं यूज करता हूँ। फुल मून एंड हाफ मून के ऊपर एक एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है जो मैंने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके एक बार सर्च कर सकते हैं और उसको उसके बेस पे मिल सकती है। वैसे ही अमावस्या के ऊपर भी एक स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर मार्केट अक्सर अमावस्या वाले दिन, जहाँ हर महीने आपको एक चंद्रमा की अमावस्या मिलती है, उस अमावस्या वाले दिन मार्केट या तो एक शॉर्ट टर्म टॉप बनाता है या एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाता है। ठीक है, तो 11 मार्च को जो कैंडल बनने वाली है, जो ना डेली टाइम फ्रेम, आपको क्या करना है उस कैंडल को ऐसे करके, जो कैंडल बनती है उस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। मार्केट जिस तरीके से उसका मतलब हाई तोड़ती है या इसका लो तोड़ती है, कहीं पे भी क्लोजिंग के बेसिस पे जाती है, मार्केट अगले 2 से 3 कैंडल उसी दिशा में बनाएगी, उसी दिशा में बनाएगी। ठीक है, उसी दिशा में बनाने वाली है। मार्केट में आपको बहुत अच्छे तरीके से वो रिजल्ट जो है देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट अमावस्या का एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। लास्ट अमावस्या कब थी, डेट क्या थी अमावस्या की, एक मिनट वन सेकेंड, अभी पता लग जाएगा। ये रही 2024 में 10 फरवरी को डेट थी। 10 फरवरी कहाँ है, 10th फरवरी, 10 फरवरी की छुट्टी थी, तो 12 फरवरी की कैंडल को हम कंसिडर करेंगे। अगर अब ये 12 फरवरी की जो कैंडल है इसको अगर देखो, मैंने इसका हाई मार्क किया और इसका मैंने लो मार्क किया, आपको क्या करना है, इंतजार करना है इसका लाइट लो हाई कैसे टूट जाए। ये कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, उसके बाद देखो 1 2 3, आपको तीनों चारों पांचों कैंडल एक शॉर्ट टर्म के लिए गेन देता हुआ दिखाई दिया। अगर यहां से अगर मैं मेजर करने की कोशिश करूं पूरे टॉप तक, अगर आप देखते हैं 5 कैंडल, तो 1400 पॉइंट का तेजी देखने को मिला आपको, एक तरफा तेजी देखने को मिला। ऐसे ही जैसे मैंने इस कैंडल का हाई और लो मार्क किया, वैसे ही आपको 11 मार्च की कैंडल का हाई और लो मार्क करके एक तरफा ट्रेड के लिए बैठना है। मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ, उसका बैक टेस्टिंग करके भी देख सकते हो। अमावस्या की डेट्स निकालो और उसके हिसाब से जाके दो, वो डेट्स पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी, अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे। अमावस्या कब आती है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि मार्केट एक लाल कलर की कैंडल बना सकती है 11 तारीख को। यहाँ पर एक गैप अप खुले, एक बड़ी गैप कैंडल बना दे लाल कलर की, ठीक है, क्योंकि गैप अप खुलने के ज्यादा चांसेस हैं। अभी अगर आप देखें एग्जिस्ट निफ्टी क्या चल रहा है, 48.3 पॉइंट डाउन चल रहा है यहाँ पर 22,600 के आसपास चल रहा है। निफ्टी यहाँ पर क्या है, 493, तो फिर भी यहाँ पर 100-150 पॉइंट का गैप अप ही दिखा रहा है वो। तो डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से शेप अप होती है और किस तरीके से शेप मार्केट गैप अप या गैप डाउन देती है उसके हिसाब से। बट हाँ, नीचे की तरफ से एक बार तो आना चाहिए, तो अगर मार्केट गैप अप भी खुलती है तो एक बार नीचे की तरफ आती है इस ट्रेंड लाइन के पास में। ये नंबर क्या आ रहा है इसके, आपको सतर्क होना, ये बाइंग लेवल आपका बनेगा। कौन सा लेवल, 47,300 से लेकर 47,350। सो 47,300 से लेकर 350 का जो लेवल है, मोटा मोटा 400 का जो लेवल है, इस पर्टिकुलर लेवल के बीच में आपको बाय के बारे में ही सोचना है। मार्केट यहां से जो रिवर्सल के लिए सोच सकती है और वहां से मार्केट 49,300 के लिए अग्रसर हो सकती है, तो आप एक लंबी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर जो अपना स्टॉप लॉस आप रख सकते हो बहुत ही छोटा रहेगा, 47,170 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा और आप ऊपर के प्लानिंग जो कर सकते हो। ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी में अगर आप देखें तो क्या दिखाई दे रहा है, निफ्टी के अंदर गाइस देखो मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको कुछ चीज दिखाना चाहूंगा जो ऑब्जर्वेशन है मेरी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मार्केट ने तेजी कहाँ से शुरू की थी, मार्केट ने तेजी यहां से शुरू की थी, एक तरफा देखें अगर आप तो। सो मार्केट में जो तेजी शुरू हुई है यहां से, अगर देखो मार्केट ने तेजी शुरू की, जो कंसोलिडेशन आई है नीचे की तरफ आई है, फिर मार्केट नीचे गई, नीचे की तरफ की कंसोलिडेशन आई है, फिर मार्केट ने एक फॉल दिया ऊपर की तरफ गया। ये जो कंसोलिडेशन आई है ये भी आपको नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दी है, उसके बाद में फिर से तेजी देखने को मिला है, फिर आपको नीचे की तरफ की कंसोलिडेशन ड्रॉप देते देखने को मिली है, मार्केट ने आपको ड्रॉप दिया। मार्केट अब ये जो अब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, मार्केट में कंसोलिडेशन तो हो रही है, लेकिन ये क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन जो हो रही है, ये जो कंसोलिडेशन हो रही है ये ऊपर की तरफ हो रही है। ठीक है, अक्सर ये ऊपर की तरफ की जो कंसोलिडेशन होती है गाइस, ये लास्ट कंसोलिडेशन होती है, इसके बाद मार्केट रैली की जगह अक्सर फॉल दिया करती है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट गिर जाएगा, पर मैं आपको ऑब्जर्वेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अक्सर मार्केट में ऐसे होता है। क्योंकि देखो तीन तरह के फ्लैग होते हैं, आपको पता ही है, ये एक होता है फॉल वाला जब इस ऐसे बनता है, दूसरा होता है स्ट्रेट जिसके अंदर साइडवेज कंसोलिडेशन होती है,
और तीसरा होता है ये ऊपर की तरफ। ये दोनों के दोनों बुलिश फ्लैग होते हैं, इन दोनों को बुलिश बुल फ्लैग बोलते हैं। बट ये जो होता है ये ट्रैप होता है और इसको हम बेरिश फ्लैग भी बोलते हैं क्योंकि ये कंसोलिडेशन। तो ये देखेंगे तो एक तरीके से ये उसी तरीके से ही है जो कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है। दूसरे एंगल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न आपको कंस्ट्रक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसके बॉटम को कनेक्ट कर दूं और इनके टॉप को भी कनेक्ट कर दूं, ये यहां से अगर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं तो ये एक राइजिंग वेज आपको बनती हुई दिखाई देगी। ये कब काम करती है? जब इसके अंदर आपको डाइवर्जेंस हो। यहां पर देख लें क्या यहां पर डाइवर्जेंस है, बिल्कुल है। ये देखो यहां पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन आरएसआई जो है वो नीचे की तरफ लोअर लो बना रही है। इसका मतलब आरएसआई बोल रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब ये जो मार्केट में रेड कलर की लाइन मैंने खींची हुई है, इसके नीचे मार्केट जैसे ही नीचे की तरफ आती है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, 3 बार पिन पॉइंट सपोर्ट लिया गया है इसी पर्टिकुलर लाइन से। एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, और अभी ये टॉप के ऊपर है। और मार्केट अगर यहाँ से कंसोलिडेशन करके ऐसे करके तोड़ के नीचे की तरफ गिरती है तो भाई अच्छा खासा गिरने चाहिए, इसके साथ में फॉल भी अच्छा खासा बनना चाहिए। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी चार्ट के ऊपर विजिबल है। कल को ऐसा ना हो कि मार्केट गिरे और आप सिर्फ कॉल साइड में बैठो, लेकिन मुझे लगता है ये फॉल ATH के बाद आना चाहिए। मतलब निफ्टी में उतनी तेजी होना हो, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे तेजी होती हुई दिख रही है कि मार्केट एक बार अपना ATH जरूर लगा लेगा रूल के हिसाब से गिरने से पहले, ठीक है। तो मेजर फॉल जो मुझे दिख रहा है, जो करेक्शन जो भी आप मानना चाहो, वो एक बार बैंक निफ्टी की ATH के बाद में ही दिख रहा है, या फाइनेंशियल निफ्टी की ATH के बाद में ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। आने वाले दिन में आपका वीक कैसे रहने वाला है वो ज्ञान के हिसाब से मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा, लेकिन 11 और 12 तारीख दोनों ही ओके ओके हैं, अच्छा है मार्केट ऑप्शन बायर के प्रोस्पेक्टिव से। अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो कैंडल देखा आपको, कैंडल स्टिक बनी है डेली के चार्ट के ऊपर, ये एक अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से डॉजी तो बोलेंगे स्पिनिंग टॉप बॉटम टॉप स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, एक डायरेक्ट रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है। अगर इसका लो टूटता है जो कि 22,429, मार्केट एक इवनिंग स्टार का कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर कर सकता है। यहाँ पर एक और चीज पे लगाने की कोशिश करूंगा, बोलेंजर बैंड क्या ऊपर की तरफ हमारे पास स्पेस है? आंसर इज थोड़ा सा स्पेस है, तो गैप अप होकर थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर ये बाहर निकलता है गैप अप के बाद, तो एक बार जैसे कि कैंडल बाहर निकली थी तो ये मिड बैंड को छू जाती थी, तो दोबारा के साथ दोबारा आपको एक कंस्ट्रक्शन नीचे की तरफ आती हुई दिखाई पड़ सकती है, तो उस बात का ध्यान रखना है। इंडिया विक्स भी अपनी लो हो चुकी है, 13 के आसपास वापस आ चुकी है, एक बार 16 के शिखर को छूकर, और ये सिनारियो जो है बन रहे हैं। यहां पर अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाए, छोटे टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करें, मंडे के दिन क्या कर सकते हैं, क्या सिनारियो बन सकते हैं। अच्छा, यहां पर जो एम बनाने की कोशिश की गई थी, अगर मैं देखूं तो मार्केट ने इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न का कंस्ट्रक्शन किया, ये ये फ्लैग पैटर्न का एक तरफा इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर इसका टारगेट निकालने की कोशिश करें तो स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये बुलिश ही है, और इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है, 22,800 के आसपास का। तो इस चीज को भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि मार्केट में जो ऊपर का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, और मार्केट ने क्लोजिंग भी इस फ्लैग के ऊपर की तरफ ही दिए मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ऊपर ही दिए, पूरा कंसोलिडेशन इसके टॉप के ऊपर ही किया है। सो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बन जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, उसको चर्चा अगर करें तो ये यहाँ से आपका ये इसका हाई आपका इंपॉर्टेंट लग जा रहा है, 22,525 के ऊपर बाय का ही सिनारियो बनेगा 22,825 के लिए। ऊपर के लेवल निकालने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, फिबोनाची एक्सटेंशन। तो यहाँ पर इसका लो, इसका ये हाई, और इसकी कंसोलिडेशन के लो तक अगर हम लेके आए, तो अगर आप दिखाई देगा तो मार्केट ने एग्जैक्टली पिन पॉइंट कहां पर रेजिस्टेंस लिया है, इसको लाइन को हटा दिखाई देगा तो मार्केट ने 50% से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है। ठीक है, 50% से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है यहां से। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल बनते हैं वो कौन सी जोन बनती है, ये वाली जोन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन है, और ये जोन तोड़ने के बाद मार्केट बुलिश हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। 0.5 से 0.618 की जो जोन रहती है, आपको बताया मैंने हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया है। और अगर मार्केट आपका टोटल 22,600 का लेवल, 599.65 आता है, मैं 300 ले लेते हैं,
ये तोड़ती है तो आपको मार्केट अपने 22,831 के लेवल तक जाते की दिखाई देगी। बीच में एक प्रिपेयर स्टॉप जो आपको मिलने वाला है वो है 700 का, 22,700 का लेवल आपको बीच में मिलने वाला है। फिबोनाकी के लेवल्स है और वो बहुत अच्छे तरीके से काम भी करेंगे, आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपका जो प्लान रहने वाला है मंडे के दिन वो क्या रहने वाला है कि अगर मार्केट आपको 600 के ऊपर जाती हुई दिखाई देती है, 22,600 के ऊपर, आप यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट 700 का रहेगा, 22,700, और दूसरा टारगेट 22,827 के आसपास का लिया जा सकता है। मार्केट में सेल की पोजीशन के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्लैग के लो का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मार्केट इसका लो को तोड़ती है तो मार्केट ये पूरे फ्लैग के पोल के डाउन साइड पे आने की कोशिश करेगी, और डाउन साइड कहाँ पर आता है, लगभग लगभग यहाँ पर। तो आपको ऊपर या नीचे कहीं पर भी एक अच्छा स्विंग कैप्चर करने को मिल सकता है। अगर 22,200 के 200 के नीचे निकलता है 200 के, तो ये 21,900 तक गिरेगा, और अगर मार्केट 22,600 के ऊपर की तरफ तोड़ता है 800, तो 200 पॉइंट का मूव आपको बड़े ही आराम से देखने को मिल सकता है। उसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, आई होप ये निफ्टी का क्लैरिटी से मिल आपको इन्फॉर्मेशन आ गया होगा। बैंक निफ्टी की अगर हम चर्चा कर क्लिक कर ले तो मेरे हिसाब से मैंने आपको एक नंबर दिया है कि मार्केट में एक मेरे को लगता है कि नीचे की तरफ 47,300 तक का एक जोन जो है वो पेंडिंग है, नीचे की तरफ आना चाहिए। अगर ये नहीं आता और सीधा ऊपर जाता है तो भाई थोड़ी सी दिक्कत है। तो मैं उस केस के अंदर थोड़ी सी कम क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करने की कोशिश करना चाहूंगा, ज़्यादा नहीं। और फिबोनाकी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ, ये हाई लो, ये हाई और कंसोलिडेशन, इसके हिसाब से अगर लेवल दिखाऊं तो इसने हमारी जो जोन थी, कौन सी जोन जो यहां पर भी मार्क कर सकते हैं, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी उसको तोड़ दिया है, तो ये सपोर्ट का काम करने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रुशियल जोन रहने वाली है हमारे लिए। दूसरा लेवल है ये, ठीक है, और इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो ये दो लेवल बनते हैं, और इसका बीच का 50% का लेवल भी आपका एक सपोर्ट लेवल निकल के आएगा। ये तीन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, मंडे के लिए, ठीक है। तो मैं क्या लेवल निकाल रहा हूँ यहाँ पर, 1.6 तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जोन बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं। अगर मार्केट किसी भी रीजन से इस पर्टिकुलर लो को तोड़ती है तो ये डाउनफॉल की तरफ, नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी। मतलब अगर मार्केट में आपको मंडे वाले दिन 47,000 का लेवल टूटता हुआ दिखाई देता है, इट इज कमिंग डाउन टूवर्ड्स 45,693। मुझे लगता नहीं इतना आना चाहिए, बट 300 तक का आपका फॉल बनता है, तो ये सपोर्ट जोन नहीं टूटेगी। दिस पर्टिकुलर जोन विल बी अ बाय बाय जोन फॉर यू गाइस, ठीक है। और अगर आप बाय साइड के लिए बैठना चाहते हैं तो डे हाई के ऊपर तो नहीं, लेकिन ये नंबर है इसको याद रखिएगा, मार्केट 48,420, 420, 420 ही करके, 420 के ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो आप बाय कर सकते हैं। 49,248 आपका पहला टारगेट और 50,097 आपका दूसरा टारगेट होगा। ये लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए आपका टारगेट निकल के आ सकता है लेवल्स के हिसाब से, ठीक है। मैं क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको पूरे वीक का दे रहा हूँ, ये पूरे वीकली व्यू आपका रहने वाला है, और मार्केट इसके हिसाब से प्ले कर सकती है। डेली बेसिस पे क्या लेवल हो सकते हैं वो मैं आपको मॉर्निंग के अंदर ये बना के दे दूंगा कि डेली बेस की रेंज क्या होगी, उसके हिसाब से किस मार्केट जो है वो प्ले आउट कर सकती है। फिलहाल मैंने आपको जिस भी कॉन्टेक्स्ट में चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, चाहे वो हेड एंड शोल्डर हो, चाहे वो फ्लैग पैटर्न हो, चाहे वो फिबोनाची एक्सटेंशन या निफ्टी के लेवल्स हो, वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन करके दे दिए। वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरे व्यू का वीक किस तरीके से आपसे ट्रेड कर रहे हैं। आगे चल के देखने की कोशिश करें कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपने एनालिसिस के लिए रिक्वेस्ट किया है। आप भी अगर अपने फेवरेट स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वरुण भाई ने पहला कमेंट किया है, वरुण भाई पूछते हैं डीवीज लैबोरेटरी का व्यू बता दीजिए सर, हेड एंड शोल्डर फॉर्म किया है डेली टाइम फ्रेम पर, एक बार देख लेते हैं डीवीज लैब क्या बोल रहा है। डीवीज लैबोरेटरी, डीवीज लैबोरेटरी करेक्ट, ये तो परफेक्ट है यार, बिल्कुल एक नंबर। ठीक है, ये एक हेड एंड शोल्डर ही है, ठीक है, इसने रीटेस्ट भी किया है। अब आपके पास सिचुएशन क्या बनती है, अगर मार्केट इसका लो तोड़ता है तो अपने पूरे टारगेट की तरफ जाएगा। इसका पूरा टारगेट कहां से आएगा, डिवीज लैब जो है बॉटम के टारगेट्स के लिए जाना चाहिए, ये इसका टारगेट बनता है।
बॉटम में 3116 का, तो पुट साइड पे पोजीशन कब बनेगी, जब 3446 के नीचे जाएगा। तो याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पुट की पोजीशन में बहुत जल्दी आपको पैसा बना के दे सकता है। तो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, डेफिनेटली दे सकता है। बाय साइड पे कब जाएगा, ये जो इसका हाई है, अगर मार्केट 3843 को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है तो एक डब्ल्यू पैटर्न का कंस्ट्रक्शन है और आपको ऊपर के हाई की तरफ ये जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। हाई कहाँ बनता है, दिस इज योर हाई, ठीक है। यहां से अगर ये निकलता है तो पूरा डब्ल्यू पैटर्न का भी इशारा बनेगा। फिलहाल ये हेड एंड शोल्डर ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो उसके हिसाब से देख सकते हो भाई। हम क्या स्टार्ट, वीडियो देखो सर, आपको समझ में आ जाएगा। सर प्लीज टेल अबाउट क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के बारे में क्या देख लेते हैं एक बार, क्रूड ऑयल भी देख लेंगे और ऊपर से देख लें किसी ने कमेंट किया है। लास्ट और फर्स्ट और लास्ट कमेंट के बारे में बात करेंगे, तो फर्स्ट कमेंट मैंने ऑलरेडी बता दी, लास्ट पिडिलाइट इंडस्ट्री 29 CE होल्ड है, सी क्या एनी व्यू। पिडिलाइट यार, पिडिलाइट इंडस्ट्री ना, मैं आपको तो बताता हूँ, देखो ये वो स्टॉक है जिसके बारे में मैं बहुत दुखी हूं। ये रहा पिडिलाइट, देख रहे हो मैंने क्या बोला, स्टॉप लॉस खाने के बाद, एक्चुअल में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस खाने के बाद ये ऊपर की तरफ क्या भागा है, ऑलमोस्ट टारगेट आ गया। यहाँ पर बुक भी कर लेना चाहिए था, मेरे हिसाब से 3000 के इसके टारगेट हैं, लेकिन हाथी निकल जाता है, उसकी पूंछ बचती है ना, वही हिसाब किताब है। थोड़ा सा टारगेट छोड़ के वापस नीचे की तरफ आ गया, और कितना टारगेट बचा, सिर्फ 37 पॉइंट छोड़ के नीचे की तरफ आया। हालांकि ये शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है, लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो अगर आप होल्ड कर रहे हो तो एक बार देख लेना, मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ आना चाहिए। बट मंडे की कैंडल देख लेना, अगर वो रेड है तो उसको एग्जिट, इंडेक्स की कैंडल, निफ्टी की बोल रहा हूँ, अगर रेड कैंडल बनती है तो एग्जिट मारने की कोशिश करना। अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो ये पूरे 3000 टारगेट के लिए बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबली नेक्स्ट वीक में ही अपना पूरा का पूरा टारगेट जो है वो दे देगा, ठीक है। तो स्टॉक्स हो गए, मैम पूछ रही थी क्रूड ऑयल के बारे में बता दीजिए। क्रूड ऑयल देख लेते हैं, क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, कहाँ गया क्रूड ऑयल, ये रहा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल एक बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन के अंदर चालू है, चल रहा है। अगर ओवरऑल देखने की कोशिश करो तो मार्केट यहाँ पर कुछ खास नहीं कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन बनती है जो मार्केट यहाँ से लेके चल रही है, और ऊपर की तरफ से जो ट्रेंड लाइन है वो ऐसे कुछ चल रही है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं हटाऊं और यहाँ पे पैरेलल चैनल बनाऊं, देखते हैं पैरेलल पे चैनल काम करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा। तो ये गाइस देखो, एक बुलिश बट पैरेलल चैनल के अंदर काम कर रहा है, और ना बिगर टाइम फ्रेम। किसने पूछा था, अनीता मैम, ठीक है। तो ये टुवर्ड्स अपसाइड कंसोलिडेशन कर रहा है, ये मिड बैंड के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करता तो लोअर बैंड को टच करने के लिए आएगा, तो आपको एक नीचे का स्विंग देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। फिलहाल जब तक ये मिड बैंड के ऊपर है टाइट कंसोलिडेशन में, इसको जैसे ही ऊपर की तरफ तोड़ता है तो क्रूड ऑयल के अंदर गोल्ड जैसे फटा था आपको भी फटने को मिलेगा। यहाँ पर कम से कम 600 पॉइंट की देरी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देखने को मिलेगी, जैसे ही इस पर्टिकुलर चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ता है तो 600 पॉइंट ऊपर की तरफ लेके चलो, और नीचे की तरफ इसको तोड़ता है तो 600 पॉइंट नीचे की तरफ का मूव बड़ी, वो भी बड़ी तेजी से आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस लाइन के जब तक ये ऊपर चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस लाइन के नीचे अगर मार्केट क्लोज दे देता है कोई भी कंजिक्यूटिव दो कैंडल, तो ये अपने बॉटम को टच करने आएगा, इस पर्टिकुलर लाइन को टच करने आएगा, तो उसके लिए भी आप प्ले आउट कर सकते हो। ये क्रूड ऑयल का ओवरऑल स्विंग ट्रेड का व्यू आपको मैंने दे दिया है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म पर देखने की कोशिश करेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाते हैं, देखते क्या होगा। मार्केट में वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, ये देखो कैंडल जो दिखाई दे रही है, क्लियर कोई चार्ट पैटर्न नहीं है लेकिन वॉलेटिलिटी है। लेकिन यहाँ पर हमारा एक हाई फाई का सेटअप जरूर बना हुआ है, उसके हिसाब से मार्केट को कम से कम इस लेवल तक आना चाहिए 6408। तो क्रूड ऑयल आपको 6408 पे बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए, अभी 60 पॉइंट के आसपास और गिरावट इसकी बाकी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाई फाई का सेटअप बनता है, ये जो स्विंग है यहाँ पर ये पूरा 6408 तक आएगा, पूरा टारगेट देने के लिए हाई फाई का सेटअप है, बिना लगाए बता सकता हूँ मैं, और ये इस पर्टिकुलर लेवल तक गिरना चाहिए। क्या नाम है, 6409, 6408 वही लेवल है, ठीक है, यहाँ तक गिरना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरा, मार्केट में ये गैप छोड़ के गया है, मार्केट गैप भी भरने भरने वापस आएगा, तो एक बार 6408 के लेवल को टच करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ आना चाहिए, तब जब मार्केट गिरेगी तो ये एक डब्ल्यू का पैटर्न भी बनेगा ऐसे करके, ऐसा कुछ करके, तो ये अपने हाई की तरफ इस पर्टिकुलर लेवल पर दोबारा भी आ सकता है, ठीक है। दोनों सिनेरियो बन सकते हैं। तो ये वाला लेवल अगर टूटता है
ये वाला लेवल बोले तो एग्जैक्ट नंबर बता देंगे आपको। अगर क्रूड ऑयल 6572 को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है तो पहला तो अपना पूरा गैप फिल करेगा, ये जो गैप है इसका 6590 तक का सेम डे पे, और प्लस 6666 टच करने की तरफ, नीचे की तरफ आना चाहिए। ये इसका शॉर्ट टर्म का व्यू हो गया और मार्केट इस तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो दो स्टॉक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, और देखने कुछ के बाकी सारे लोग जिन्होंने हार्ड ड्रॉप किया है कमेंट सेक्शन में सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे मितु पटेल, किरण किरण जी हो गए, अपने मोहसिन जी हो गए, उर्वशी, मोदी जी, परमेश भाई, हर कृष्णन, आर के पी के, आशीष, एवरीबडी हु हैज ड्रॉप्ड, रोशन, थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग द हार्ट, एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दी एनालिसिस वीडियो एज वेल। ठीक है, लास्ट वन ऑफ द लिस्ट गाइज, वो सारे लोग जो बोल रहे थे गाइज सर बेसिक टू एडवांस सीखना है, मुझे जीरो टू हीरो बनना है और बेसिक सीखना है ट्रेडिंग का, बेसिक टू एडवांस सब कुछ सीखना है। तो गाइज हमारा जो बेसिक टू एडवांस बैच है जो 12 दिन का सेशन होता है वो शुरू हो रहा है 7 अप्रैल से, ट्रेडिंग मास्टरी वर्कशॉप विच इज़ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आप आराम से सीख सकते हैं सब कुछ अपने घर के कंफर्ट से, रात को 8 से 9 बजे जूम के ऊपर आप सीख सकते हैं। बैच रजिस्ट्रेशन आर ओपन, यहाँ पर आप बेसिक सीखते हैं, चार्ट पैटर्न, कैनलिस्टिक सब कुछ आराम से सीखते हैं, ट्रेडिंग किस तरीके की होती है, कैसे बन सकते हैं, कौन से टाइप के ट्रेडर बनने में ज़्यादा पैसा है। उसके बाद में आपको मेरी सारी स्ट्रैटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस के रूप में मिलेगी इस पर्टिकुलर वर्कशॉप के अंदर, एडवांस वाली जो कि है BTS, जो आपको कहीं नहीं मिलती है, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी। MS, ईगल, चिराग, आपको सब कुछ मिलने वाला है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो ये 2 महीने के लिए आपको बेसिकली 12 दिन की वर्कशॉप होगी, जो 12 दिन की क्लास होंगी, प्लस आपको 2 महीने का पोस्ट वर्कशॉप सपोर्ट मिलने वाला है। तो आपको स्टूडेंट ग्रुप का मेंबरशिप भी मिलने वाला है फॉर 2 मंथ्स, सो अनदर 2 मंथ्स यू विल बी विद मी एंड वी विल बी डूइंग लाइव रैंडम लाइव टुगेदर, एंड 2 महीने का आपको मेंटरशिप मिलने वाला है बिल्कुल उसके अंदर। ठीक है, और एनीबडी कैन ज्वाइन, सिर्फ स्टूडेंट, हाउस वाइफ है कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट उसका ऑलरेडी चल रहा है, द फीस ऑफ द वर्कशॉप इज अराउंड 25,000, बट आपको सिर्फ और सिर्फ पे करने हैं 19,999, तो आपको ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज का अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल रहा है। दिस इज वैलिड फॉर फर्स्ट 15 पीपल ओनली, ओके। आई गेस 3/4 सीट्स आर ऑलरेडी टेकन, तो यू कैन गो अहेड एंड रजिस्टर योर वर्कशॉप फॉर द वर्कशॉप फॉर श्योर। एंड फॉर द पीपल हु आर ओल्ड ऑप्शन मास्टरी स्टूडेंट्स गाइज, अगर आप ऑप्शन मास्टरी के स्टूडेंट हैं और आपने जैसे मुंबई की वर्कशॉप अटेंड की है, या कोई भी ऑप्शन मास्टरी के लोग अगर आप ट्रेडिंग मास्टरी के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा बिकॉज आप ऑलरेडी ऑप्शन मास्टरी कर चुके हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आपकी जो ऑप्शन मास्टरी की फीस है वो हम इसके अंदर रिकमेंडेड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको सेम प्राइस के अंदर बेनिफिट मिल जाए, तो आप ये वर्कशॉप जो है अटेंड कर पाएंगे। तो आप टेलीग्राम के ऊपर अटेंड कर सकते हैं, और वो सारे लोग जो मैसेज कर रहे थे कि सर बेसिक टू एडवांस करना है, चालू हो गई है, गो अहेड एंड रजिस्टर योर सेल्फ एज सून एज पॉसिबल एंड आई विल सी यू गाइस ऑन 7 अप्रैल ऑफ वर्कशॉप। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ के साथ में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। चलिए फिर मुलाकातों की चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, साते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, जय हिंद, जय भारत।